अगर आपका बजट 15,000 रुपये और आप कोई फोन लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एंड में आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा फोन आपके लिए 15,000 के अंदर बेस्ट होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले 5वें नंबर के फोन के साथ। तो यहाँ पर एक टाइप है, एक 4G वाला फोन है, एक 5G वाला फोन है। 4G वाला फोन Realme की तरफ से आता है, Realme Narzo 30 4G। ये जो फोन है ये आप ले सकते हैं, जिसके अंदर MediaTek Helio G95 ये जो चिपसेट है ये देखने को मिलता है, साथ ही साथ 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। और अगर आप बजट में बहुत ज़्यादा टाइट है तो ही आप इस फोन को कंसीडर कीजिए, क्योंकि इस फोन की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब 12,499 रुपये, मतलब 13,000 अगर आपका बजट है तो आप इस फोन को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। और उससे 1,000 रुपये ज़्यादा प्राइस पे, मतलब 14,000 रुपये में आप एक 5G वाला फ़ोन लेना चाहते तो आप ले सकते हैं पोको की तरफ से आने वाला पोको M3 Pro 5G। इस फोन को, इसमें डायमेंसिटी 700 ये जो चिपसेट है ये देखने को मिलता है, साथ ही साथ 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, लेकिन 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अब इस फोन को कंसीडर करने का रीजन क्या है, तो इस फोन की डिजाइन बहुत ही बढ़िया डिजाइन आते हैं, मतलब लुक वाइज ये फोन जो है बहुत ही बढ़िया लगता है, खास करके वो जो पीला कलर आता है वो बहुत ही बढ़िया लुक्स प्रोवाइड करता है। मतलब आप कोई ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे जिसमें 5G तो होना चाहिए, 14,000 में चाहिए और लुक्स अच्छे चाहिए, तो इन 3 रीजंस के लिए आप इस फोन को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। अब बढ़ते 4वें नंबर की तरफ। तो यहाँ पर भी एक टाइप है, दोनों ही फोन्स Realme की तरफ से आते हैं, Realme 8 5G और Realme Narzo 30 5G। दोनों ही फोन्स में सेम चिपसेट डायमेंसिटी 700 देखने को मिलता है, 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, सारी चीज़ें लगभग सेम देखने को मिलते हैं, बस एक ही बड़ा चेंज देखने को मिलता है, जो Narzo 30 5G है वो उसका 6128 जो है वो आपको 15,000 से थोड़े से ऊपर प्राइस पे मिल जाता है। वहीं पर जो Realme 8 5G है उसके अंदर आपको 4128 ये जो वेरिएंट है ये मिल जाता है 15,000 के अंदर। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 2GB रैम ज़्यादा चाहिए तो आप Narzo 30 को ले सकते हैं, और अगर रैम ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप Realme 8 5G इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हैं। और इन दोनों फ़ोन्स को कंसीडर करने का और एक रीज़न है कि इनमें जो 5G बैंड है वो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, मतलब 7 5G बैंड का सपोर्ट जो है वो दिखाई देता है, इस वजह से भी आप इन फ़ोन को कंसीडर कर सकते हैं। तो अब बढ़ते नंबर 3 पे आने वाली फ़ोन की तरफ। ये आता है Xiaomi के सब ब्रांड Redmi की तरफ से, Redmi Note 10S। ये जो फोन है इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, जिसके अंदर 6.43 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, हाईर रिफ्रेश रेट नहीं है लेकिन एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, साथ ही साथ MediaTek Helio G95 ये एक डिसेंट परफॉर्मेंस देने वाला प्रोसेसर जो है वो देखने को मिलता है। और कैमरा सेटअप की बात करूँ तो 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, उसमें भी एक सेंसर जो मैक्रो सेंसर है वो 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, ये इस फोन की बहुत ही खास चीज़ है। साथ ही साथ 5000mAh की बैटरी बैकअप और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। और ये जो फोन है ये आपको 14,999 रुपये में 6GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। अगर आप 6128 लेना चाहते हैं तो आप Redmi Note 10 की तरफ देख सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कैमरा के मामले में, वहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है क्या आपको कैमरा अच्छा चाहिए या फिर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, मतलब 6GB रैम के साथ स्टोरेज अगर ज़्यादा चाहिए तो Redmi Note 10 की तरफ देख सकते हैं, या फिर Redmi Note 10S इस फोन की तरफ भी आप देख सकते हैं। और अब बढ़ते नंबर 2 पे आने वाली फोन की तरफ। और ये जो फोन है Realme की तरफ से आता है, Realme 8 5G। इस फोन को आप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें 6.43 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, हाईर रिफ्रेश रेट नहीं है, 60 हर्ट्ज ही है, लेकिन ये फोन सारी लिस्ट में एक ही फोन है जिसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो देखने को मिलता है, MediaTek Helio G95 चिपसेट, एक डिसेंट चिपसेट, साथ ही साथ 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप जो है वो भी देखने को। और ये जो फोन है इसकी सबसे बढ़िया बात है कि ये एक कॉम्पैक्ट फोन है। अब कॉम्पैक्ट क्यों है तो अगला फोन जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फोन को दूसरे नंबर पे क्यों लाया। और अब बढ़ते नंबर 1 पे आने वाली फोन की तरफ। और ये जो फोन है मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो G40 फ्यूजन, ये जो फोन है ये आता है नंबर 1 पे। इस फोन में एक ही प्रॉब्लम है, इस फोन की साइज बहुत ज्यादा बड़ी है, 6.78 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, लेकिन एक बड़ा डिस्प्ले हो जाता है, एवरेज हैंड्स में ये फोन जो है ये नहीं आने वाला। साथ ही साथ 6000mAh की बड़ी बैटरी बैकअप देखने को मिलती है, 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, और इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 732G ये सबसे बढ़िया चिपसेट देखने को मिलता है, और ये इंडिया का सबसे सस्ता फोन है जिसके अंदर Qualcomm Snapdragon 732G ये जो चिपसेट है इसका सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब 732G पे सबसे सस्ता फोन जो है ये बन जाता है। तो इस फोन को कंसीडर करने के 2 से 3 रीजन है, एक तो बड़ा डिस्प्ले, उसी के साथ बड़ी बैटरी बैकअप दिखाई देती है, और 732G ये जो चिपसेट है ये सबसे बढ़िया है।
तो यही थे कुछ फोन्स जो कि आप 15,000 के अराउंड ले सकते हैं। अगर आप कोई फोन ढूंढ रहे 20,000 के अराउंड या फिर 25,000 के अराउंड, तो यहाँ पर वीडियोस लगा के दे रहा हूँ, उनको आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं।